हेलो गाइस, मैं खुश हूँ आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। केबीसी से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। वहां पर जो पहुंची है कंटेस्टेंट ने, और जब वहां पर पहुंच के उन्होंने सुनाई अपनी आप बीती, तब अमिताभ बच्चन जी ने बोल दिया कि धिक्कार है ऐसे लोगों पे। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या बात होगी कि अमिताभ बच्चन जी ने ये वर्ड यूज कर लिए उस स्टेज पे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हुए जाइए, और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। केबीसी का 11वां सीजन चल रहा है और अभी तक केबीसी को अपने 3 करोड़पति मिल चुके हैं, और उसी के साथ टीआरपी की दौड़ में अभी केबीसी का शो 4th नंबर पे है। और उसी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने लाख लाख रुपए जीत के लेके गए हैं, लखपति बने हैं, पर करोड़पति 3 लोग बने हैं। पर आज तक अभी तक 11वें सीजन में कोई 7 करोड़ रुपया नहीं जीत पाया। अभी रेगुलर ये सब चीजें चलती आ रही है, और ये एपिसोड, ये सब चीजें, शोज काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं और टीआरपी बहुत ज्यादा बटोर रहे हैं, और हर कोई इस शो को देखना पसंद करता है। और उसी के साथ हम लोग आपको बता दें कि इस सीजन 11 का जो करमवीर एपिसोड है वो काफी ज्यादा फेमस हुए जा रहा है। ये काफी ज्यादा चर्चा में बनता रहता है जब भी करमवीर एपिसोड आता है। पर हमारे सामने एक ऐसी खबर आई है केबीसी से जिसको सुन के आप भी काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि आज के जमाने में ये सब चीजें भी होती हैं, क्योंकि वहां पर पहुंची है पूजा झा। पिछले बुधवार को ही ये एपिसोड रिलीज किया गया और वहां से पूजा झा ने 6,40,000 रुपया जीते। जब वो वहां पर आई तब काफी ज्यादा भावुक हो गई, और भावुक होते हुए जब वो हॉट सीट पर बैठी तब तक वो रो रही थी, और उसी बीच में अमिताभ बच्चन जी ने टिश्यू दिया और टिश्यू से उनको आंसू पोंछने के लिए बोला। और जब उन्होंने टिश्यू वापस मांगा तब पूजा झा ने टिश्यू को वापस नहीं दिया, और उन्होंने बोला कि इस टिश्यू को मैं रुमाल समझ के रखूंगी और मैं आपका एक गिफ्ट समझ के रखूंगी। और उसी के साथ उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी हुई उनकी आप बीती भी सुनाई। उन्होंने बोला कि मेरी माँ वैसे पढ़ी लिखी तो नहीं है, पर हम लोग बहने हैं और हम बहनों को काफी ज्यादा पढ़ाया लिखाया है मेरी मम्मी ने, और मैं यहाँ से पैसे जीत के अपनी मम्मी को रिटर्न गिफ्ट देना चाहती हूँ, जो एक्चुअली सबको करना चाहिए अपनी माँ के लिए। पर इस दिवाली पे आप अपनी मम्मा को क्या दे रहे हैं गिफ्ट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पर पूजा झा ने इसके साथ वैसे ही गेम को कंटिन्यू रखा, और उसी के साथ उन्होंने अपनी नौकरी के बारे में कुछ चीजें शेयर की। उन्होंने बोला, ना तो मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है और ना तो मेरे पास प्राइवेट जॉब है। इसका कारण है उनका रंग रूप, भेदभाव होता था, और उसी के साथ उनकी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। ये चीज सुन के अमिताभ बच्चन काफी ज्यादा भड़क उठे, और उसके बाद उन्होंने बोल दिया है कि धिक्कार है ऐसे लोगों पे कि आजकल के जमाने में भी किसी इंसान का रंग रूप देख के उसके गुण को देखा जाए कि उसमें गुण कितने हैं, तो ये तो बहुत पिछड़ी हुई बातें करते हैं। और आजकल के जमाने में तो लोग बोलते हैं हम काफी ज्यादा डेवलप हो गए, बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं, पर उनका दिमाग वहीं के वहीं स्टॉप हो गया जो लोग ऐसा करते हैं। क्या सच में गाइस आजकल के जमाने में ऐसे लोग हैं जो दूसरे के रंग रूप को लेके उनको जज करते हैं, कभी कभार घर नहीं आने देते, और उनको सही बर्तन में, जिस बर्तन में वो खाते हैं, जिस बर्तन में वो चाय पीते हैं, उस बर्तन को उनके साथ उनको छूने भी नहीं देते हैं। आजकल के जमाने में ये भेदभाव चलता है, कभी आपने देखा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जरूर बताइए कि इस दिवाली पे आप अपनी मम्मा को क्या गिफ्ट देने वाले हैं, और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।